क्या चंद्रपुर के शिवसेना यूबीटी पर 7.5 का प्रकोप है? युवा सेना जिला प्रमुख के बाद अब युवा सेना शहर प्रमुख भी गिरफ्तार हुआ। 40 जिंदा कारतूस मामले में 5वीं गिरफ्तारी के बाद एक पिस्टल भी जब्त। अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय, आगामी चुनाव में हो सकता था बड़ा खेला। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला वैसे तो नक्सल प्रभावित जिला है, किंतु यहां नक्सली गतिविधियां नहीं के बराबर देखने को मिलती है। लेकिन बीते कुछ दिनों से फायरिंग, पेट्रोल बम अटैक समेत बम मिलने की घटना ने पूरे चंद्रपुर जिले को फिर एक बार सुर्खियों में ला दिया है। शुक्रवार की देर रात को चंद्रपुर के रामनगर पुलिस ने शिवसेना यूबीटी गुट के युवा सेना जिला प्रमुख, जिसका नाम विक्रांत सहारे है, उसे 40 जिंदा कारतूस के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस ने तलवार, मेटल की बाग नकी और एक बेसबॉल बैट भी जब्त की थी। रामनगर पुलिस थाने में दाखिल गुने में चौकी में आरोपी, दो नए आरोपी निष्पन्न हुए हैं, विशाल सहारे और शाहबाज शेख। शाहबाज शेख जो युवा सेना शहर प्रमुख है उबाठा पक्ष के, उनको भी अरेस्ट कर लिया है। उनकी निवेदन से मेमोरेंडम पंचनामे के तहत पिस्टल रिकवर किया है। 40 जिंदा कारतूस मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट अब सामने आ रही है, जिसमें पुलिस ने आज शिवसेना यूबीटी गुट के युवा सेना शहर प्रमुख को भी आज गिरफ्तार किया है, जिसका नाम शहबाज शेख बताया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी गुट के पदाधिकारी एक एक कर अवैध असलाह रखने के मामले में गिरफ्तार होने से अनगिनत सवालों का जन्म हो रहा है। क्या आने वाले चुनाव को मद्देनजर चुनाव में बंदूक और कारतूस का इस्तेमाल किया जाने वाला था? यह भी एक सवाल है। इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह भी सक्रिय होने की जानकारी सूत्र से प्राप्त हुई है। 40 जिंदा कारतूस मामले में और भी गिरफ्तारी होने की आसार नजर आ रहे हैं। टीम VL 24 न्यूज।